हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनबी किचन ब्लॉग। आज हम बनाने वाले हैं कच्ची फिश की रेसिपी। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे साइज के ढेर सारे फिश ले लिया है। फिश को क्लीन करके धो लिया है। सब्जी में लिया है बैंगन, आलू और मूली। बड़े साइज के दो अनियन चॉप्ड कर लिया है और इन चिली को चीर लिया है। फिश में थोड़ा सा ऑयल और टर्मरिक ऐड कर देंगे। अब सब्जी में टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, मस्टर्ड ऑयल, चॉप्ड किया हुआ अनियन, ग्रीन चिली ऐड करके मिक्स कर लेंगे। सब कुछ मिक्स करने के बाद कुछ देर के लिए ढककर रख देंगे। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में सब मिक्स किया हुआ सब्जी एक साथ दे देंगे और ऊपर से टर्मरिक और ऑयल से मिक्स किया हुआ फिश भी ऐड कर देंगे। सब कुछ ऐड करने के बाद अब हम इसे ढक देंगे। ये रेसिपी ढककर ही कुक करना होगा। बीच बीच में कवर हटाकर देखना होगा ताकि नीचे से जल ना जाए। सब्जी कुक्ड हो गया है। अब हम ऊपर से कोरिएंडर लीव ऐड करके निकाल लेंगे। कच्ची फिश की रेसिपी बनकर रेडी हो गया है। मेरी ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल।